आप अपना घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं? मैं तो अपने पड़ोसी के घर में फेंक देती हूँ। जस्ट जोकिंग यार। लेकिन क्या हो अगर सारे कचरे को इकट्ठा करके वोल्केनो में फेंक दिया जाए? ऐसा करने से क्या हमारे कचरे को ठिकाने लगाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? 2002 में इथियोपियन रिसर्चर्स के एक समूह ने 30 किलो का कचरा वोल्केनो में फेंक कर एक्सपेरिमेंट किया था और उसका रिजल्ट बहुत विस्फोटक था। लावा का तालाब बहुत अस्थिर होते हैं, तो उसमें कोई भी ठंडी चीज जैसे कचरे को फेंकते हैं तो उसमें विस्फोटक की एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें प्रेशर से भरी हुई एसिडिक भाप होगी जो लावा को हवा में 85 मीटर तक ऊपर उछाल सकता है। अगर आप सावधानी से भी कचरा ज्वालामुखी में फेंकते हैं तो बिना फिल्टर के कचरे को जलाने से होने वाले पॉल्यूशन के बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जो बहुत घातक साबित हो सकता है। अनुपमा सीरियल में किंजो बेबी प्रेग्नेंट थी, लेकिन क्या उसने फॉलिक एसिड के टैबलेट्स लिए थे? एक सेकेंड, ये मैं क्या बोल रही हूँ? अरे यार फिर अनुपमा, फैक्ट बोलो ना। चलो मैं ही बोल देता हूँ। डॉक्टर्स प्रेग्नेंट महिलाओं को फॉलिक एसिड के कैप्सूल खाने को देते हैं, क्योंकि ये बेबी को कुछ बर्थ डिफेक्ट से बचाते हैं। फॉलिक एसिड या फोलेट विटामिन B9 के सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, बस फोलेट नेचुरल फूड्स में होता है और फॉलिक एसिड को आर्टिफिशियली बनाया जाता है। फॉलिक एसिड आपके शरीर को मदद देता है नए नए सेल्स बनाने में, चाहे वो ब्रेन सेल्स हो, ब्लड सेल्स हो या फिर DNA या RNA। स्पेशली प्रेगनेंसी में बेबी को फॉलिक एसिड की बहुत जरूरत होती है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सामान्य तौर पर डेवलप करने में मदद देता है। हाँ आप फॉलिक एसिड को डेली बेसिस पे ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कि 1 mg से ज्यादा फॉलिक एसिड लेने से आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज हो सकता है, जो कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी को छुपा देने से होता है। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म भुट्टे खाने का मजा ही कुछ और है। लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं और ये सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है, पर मेरी दादी कहती है कि भुट्टा खाने के बाद पानी नहीं पीते, तबीयत खराब होती है। चलिए जानते हैं क्यों नहीं पीते पानी। भुट्टा खाने के बाद पानी पीने से मक्के में मौजूद कार्बोज़ और स्टार्च पानी से मिल जाता है, जिससे पेट में गैस रुक जाती है और एसिडिटी और कब्ज की शिकायत हो जाती है। पानी पीने के बाद पेट फूलने लगती है और अपाचन की समस्या होने लगती है। फ्रांस या वेस्टर्न वर्ल्ड में गिलोटिन से लाखों लोगों को मारा जाता था, लेकिन सोचने वाली बात है कि इससे कटकर लोग कितने देर तक जिंदा रहते थे। कहा जाता है कि गिलोटिन से कटने के बाद लोगों की पलकें झपकती रहती थी, और तो और सर पर धीरे से चोट करने पर इंसान के चीक्स ब्लश करते थे। एक्सपर्ट्स मतलब लगातार बलि देखने वाले लोग बताते हैं कि कटने के 15 सेकंड तक इंसान की पलकें झपकती थी। डॉक्टर सैमुअल थॉम बताते हैं कि कटा हुआ सर 15 मिनट तक कॉन्शियस रहता था, इसलिए रिसर्चर्स मानते थे कि इसमें दर्द फांसी देने से ज्यादा होता था, जिसके चलते ये किसी को मारने का बहुत अमानवीय तरीका है।